नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से निरस्त कर दिए हैं। इस बीच आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात पर नज़र बनाए रखी। जहां तक प्रयागराज में शनिवार को पुलिस हिरासत में हमलावरों की गोलियों से मारे गए माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की बात है, तो एक समय पूरे इलाके में दहशत के प्रतीक रहे यह दोनों भाई अब वाकई मिट्टी में मिल गए हैं। दोनों के शवों को रविवार रात स्थानीय कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पुलिस हिरासत के दौरान हुए इस हत्याकांड ने हालांकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जो मारे गए हैं उनका इतिहास कितना दागदार था। अपहरण, जबरन वसूली और हत्या सहित 100 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरे अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद ने पुलिस पूछताछ के दौरान हाल में स्वीकार भी किया था कि उसके पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ संबंध थे। एक प्राथमिकी में इसकी जानकारी दी गई है। प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पुलिस ने यह उल्लेख किया है कि अदालत के आदेश पर अतीक अहमद का बयान लिया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से है। प्राथमिकी में अतीक अहमद के हवाले से दर्ज बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की ISI द्वारा ड्रोन के माध्यम से पंजाब प्रांत में हथियार गिराए जाते हैं तथा पंजाब में ISI से जुड़ा व्यक्ति उन हथियारों को एकत्र कर कुछ लश्कर ए तैयबा को भेजता है तथा कुछ हथियार खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों को देता है और उन्हीं में से कुछ हथियार जैसे .45 बोर की पिस्तौल, AK-47 राइफल, स्टैंडगन और RDX मुझे भी उपलब्ध कराता है, जिसका मैं भुगतान भी करता हूँ, ऐसा अतीक अहमद ने अपने बयान में कहा। अतीक ने पुलिस को बताया, इन संगठनों के लोग मेरे यहाँ आते जाते थे और इन लोगों से आपस में की गई बात से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग देश में कोई बड़ी वारदात करना चाह रहे हैं। उसने पुलिस को यह भी बताया कि हथियार उपलब्ध कराने वाले ISI और लश्कर से जुड़े कुछ लोगों का पता उसे और कुछ के बारे में उसके भाई अशरफ को मालूम है। 5 बार विधायक रह चुके अतीक ने बयान में स्वीकार किया था कि लश्कर से लिए गए हथियार उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की इस साल फरवरी में हुई हत्या में इस्तेमाल किया गया था। उसने कहा, प्रयोग में लाए गए तथा हत्या के बाद रखे हुए हथियारों का पता हम दोनों लोग साथ चलकर बता सकते हैं, क्योंकि उन जगहों का कोई मकान नंबर नहीं है जिसे जेल से बता पाना मुमकिन नहीं है। यदि पुलिस हम दोनों को साथ ले चले तो हम लोग उन स्थानों की पहचान कर सकते हैं। देखा जाए तो अतीक और अशरफ का आपराधिक इतिहास बेहद क्रूर रहा है। अतीक के खिलाफ वर्ष 1989 से अब तक 101 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि अशरफ के खिलाफ 57 मुकदमे दर्ज थे। यही वजह है कि इनसे पीड़ितों और दुश्मनों की संख्या काफ़ी थी। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद पुलिस जब राजू पाल की बॉडी को लेकर जा रही थी तो उसने 56 किलोमीटर तक उसका पीछा किया था और मेडिकल कॉलेज में भी डेड बॉडी पर गोलियां चलाई थी। साल 1989 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद तो उसने इतनी तेज़ी से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाए कि 1985 आते आते वो प्रयागराज ही नहीं आसपास के जिलों में भी पैर पसारने लगा था। वैसे ही 1989 में चांद बाबा को मार डाला था। 2007 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब अतीक के भाई अशरफ ने 2 लड़कियों को उठा लिया था और रेप किया था, बाद में उन्हें मदरसे में छोड़ दिया था। बहरहाल अतीक अहमद की हत्या को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं के अलावा गैर BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी योगी सरकार पर जमकर बरसे। वो तो बड़ा ही कस्टडी में इस तरीके से आप सोच लीजिए, आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होके पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में है, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। क्या ठीक है किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही है खराब। क्या लगता है सर, एनकाउंटर हो गया सर उसके बाद? नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है,
लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब उनको सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग ना सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना? लोग भी अपराधी हैं, अपराधी से हम लोगों को या अमले को खासकर कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है, पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन रास्ता क्यों नहीं दिखा जाता? हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।